तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में काम को लेकर के जग गई हूँ और ये देख सकते हैं कि प्योर हनी घर में बॉटल में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको छान लिया है गिलास में और अलग कंटेनर में कर लूंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस मॉर्निंग में आज बहुत सारे काम कर डाले हैं, डस्टिंग वस्टिंग, जाले वाले लगे हुए थे उसको मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं क्योंकि दीपावली है इसको देखते हुए। और दीपावली में माना जाता है कि जब तक घर क्लीनिंग ना करो तो लक्ष्मी मैया का आगमन होना जैसे कि अच्छे से नहीं होता है, और माँ लोग ये चीज़ ये सब बातें जो हैं बताते रहती हैं। तो मैंने सोचा, हालांकि पूजा में तो मैंने कुछ क्या बोले तो बिल्कुल से डीप क्लीनिंग एक जैसे होता है मैंने उस प्रोसेस में किया हुआ था, और मैं सोची कि और बाद में नहीं करूँगी, बस थोड़ा मोड़ा, तो बस वही की हूँ, थोड़ा मोड़ा ही की हूँ। फैन वगैरह साफ़ कर दिए हैं और थोड़े थोड़े जाले वो कॉर्नर साइड में लग गए थे तो मैंने उसको क्लीन कर दिया है। और कपड़े अभी धोई नहीं हूँ, बस एक आध दिन में कपड़े भी धो लूँगी। साड़ी को मैं पहले तो साइड कर दी थी, और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसी वजह से मैंने सोचा क्या बार बार शूट करना है, चलिए मैं आपको यूँ ही बता दूँगी। और सभी महिलाएं करती हैं ये सब काम, मैं अकेले ही नहीं करती हूँ। जो हाउसवाइफ हैं या ऑफिशियल वाइफ हैं, सारे लोगों को अपने घर की चिंता होती है, सभी लोग अपने घर की क्लीनिंग के बारे में सोचते हैं, डेकोरेशन के बारे में सोचते हैं और अच्छे से अच्छा कर। कर पाना मुश्किल थोड़ा सा हुआ है, सुबह में जैसे क्लीनिंग का ही काम हुआ है, कपड़े लत्ते जैसे तैसे सब पड़े हुए हैं अभी भी ऐसे भी। और ये देखिए चादर की हालत कुछ इस तरीके से हो गया है, मैं अभी धोई नहीं हूँ उसको, बस ऐसे ही झाड़ू के अभी सेट कर दूँगी क्योंकि कल ही शायद मैंने चेंज किया था और आज क्लीनिंग का काम हो गया, तो बस ऐसे ही है। तो चलिए मैं इसको सेट करती हूँ। और एक खुशी की बात है, खुशी की बात ये है फ्रेंड्स कि मैं जैसे साफ की ना देखो दीवान खोली, तो उसमें से देखिए कि इतने सारे पटाखे मिले हैं जो पिछले ईयर बाबू का बचा हुआ था। ये देखिए क्या क्या बोलते हैं इस पटाखों का नाम मुझे नहीं पता है, तो हालांकि बाबू तो अभी स्कूल में है, आके वो देख के ही खुश हो जाएगा क्योंकि बच्चों को तो यही सब का रहता है ना। तो ये देखिए इतने सारे पटाखे मिले हैं, ये देखिए इसको आई थिंक इसको अनार बम बोलते हैं, अना सॉरी 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 वो चॉकलेट बम, और ये है अनार बम, और ये है घिरनी। तो ये सब चीज़ें मिले हैं मुझे, मैं बाबू को दिखाऊंगी तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगा क्योंकि आज कई दिनों से वो मुझे बोले जा रहा था कि मम्मा पटाखे लेने हैं पटाखे लेने हैं, तो फिलहाल तो अभी वो स्टार्ट कर सकता है। और ये है कैंडल, ये देख सकते हैं कैंडल भी मुझे मिल गया है, और थोड़े बहुत मंगा लूँगी क्योंकि विदाउट लिए शॉपिंग किए तो संतुष्टि भी नहीं होती है ना। चलिए फिर फटाफट से बेड सेट करती हूँ, पहले मैं बेड शीट तो मैंने लगा दिया है, ये देख सकते हैं बेड शीट बिल्कुल मेरा क्लीन था, इस वजह से मैंने वॉश नहीं किया, बस इसको झाड़ के और सेट कर दिया है। चलिए फिर फ्रेंड्स, फटाफट से खाना बनाना है, तो ये देखिए कि आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी और आलू, एक बैंगन बचा हुआ था तो मैंने उसको भी कट कर लिया है, आलू ले लिया है, टमाटर ले लिया है, तो इसी का समझिए कि मिक्स सब्जी मैं बना लूंगी। तो चलिए फिर फटाफट से बनाती हूँ। तो ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें मैंने फ़ौरन डाल दिया है,
तो पहले मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा आलू जब फ्राई हो जाए तो मैं पत्ता गोभी को ऐड कर दूँगी। और इसी प्रोसेस में मैं सब्ज़ियों को बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा तामझाम मेरी सब्ज़ियाँ नहीं रहती है बनने में। और ये देखिए बनके सब्ज़ी ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुका है। तो चलिए फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। आलू पत्ता गोभी विथ टमाटर के साथ डिलीशियस सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, आज इसी के साथ ही अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।